फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा था जो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ी यूनिट्स की, क्यों मेजरमेंट की जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें नई थी, एक था रेडियन और एक था स्टेरेडियन। तो सबसे पहली चीज मैं प्लेन एंगल के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लेन एंगल क्या हो जाएगा कि जैसे भी हम प्लेन पर अगर दो रेज बनाते हैं, ठीक है, या दो हमने लाइन बना दी, तो किसी भी एक प्लेन में जब दो लाइन किसी एक कॉर्नर से मिलती है तो वो क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है, थीटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मान लिया ये जो आर्क थी, ये ए बी आर्क थी, ये ओ सेंटर था, तो ए बी आर्क ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया, थीटा डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। अब थीटा डिग्री एंगल कैसे फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। जब भी हम किसी भी आर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर हमें रेडियस पता है, यहां से यहाँ की जो वैल्यू है ये रेडियस हो जाएगी, ये आर्क हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इससे हम क्या निकालते हैं, रेडियन की वैल्यू निकालते हैं। अगर आर्क पूरी तरह से रोटेट कर जाती है, मतलब पूरे सर्कल के लिए आर्क कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यहां से कितना 360 डिग्री पूरे सर्कल के लिए, ठीक। आर कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, और रेडियस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये कितने किसमें आएगा, ये आ जाएगा रेडियन में, ठीक है। रेडियन में इसकी वैल्यू आएगी, मतलब यहां से कितना हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि इसको ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये 2 से ये कैंसिल हो गया था, कितना बचा, आर से आर कैंसिल, 2 से ये 180 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, पाई रेडियन। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास रेडियन की डिग्री में, ठीक है। तो ये आ गया पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल, ठीक है। हमने क्या किया, 1 रेडियन की वैल्यू हमें डिग्री में निकालनी है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 57.7 डिग्री। तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 1 रेडियन की वैल्यू आ गई। तो जब भी हम अभी आगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या पार्सेक या मतलब जो भी एंगल की यूनिट हम लेंगे, तो वो हम किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करके लेंगे, ठीक है। एक चीज और होती है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है कितना, 60 मिनट, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक। तो डिग्री को मिनट में चेंज कर सकते हैं, मिनट को सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, या फिर सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री हो जाएगा। अगर हमें 1 सेकेंड को चेंज करना है किसमें, 1 डिग्री में, तो कितना आ जाएगा, मतलब डिग्री में चेंज करना है, तो 1/60 × 1/60 डिग्री आ जाएगा। तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/60 × 1/60 डिग्री आ गया, ठीक। तो ये वैल्यू थी हमारी डिग्री को सेकेंड में चेंज करने के लिए और सेकेंड को डिग्री में चेंज करने के लिए। यहां से हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू आ गई। कई बार फाइंड करने के लिए आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। वैसे इसमें जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशंस भी दी हुई है, लेकिन वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग में डिफरेंट डिफरेंट है, तो इतना ज्यादा कोई इश्यू नहीं है उनको लेकर के, तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो हम कहां केवल प्लेन एंगल से रीड करना स्टार्ट करेंगे अभी आगे। तो प्लेन एंगल का मतलब है कि अगर बोर्ड पर मैंने कोई भी 2D फिगर बना दी, तो वो जो भी एंगल बना रहे होंगे या जो भी सर्कल हमने बनाया, सर्कल से कोई हमने एक आर्क काट ली, ये हमने कोई आर्क काटी है, तो जितना एंगल ये सेंटर पर बनाएगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये थीटा डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, मतलब ये जो आर्क, मतलब अब यहाँ पर जो हम वैल्यू निकालेंगे रेडियन में, वैल्यू निकालेंगे कि रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, मतलब जो थीटा डिग्री है वो कितना हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो अब जो थीटा की वैल्यू निकल के आई है, ये किसमें आ जाएगी, रेडियन में निकल करके आ जाएगी। तो इतना रिलेशन आ गया। अब बात करते हैं स्टेरेडियन की या सॉलिड एंगल की।
तो सॉलिड एंगल के लिए हम क्या करेंगे, सॉलिड एंगल 3D फिगर्स के लिए होता है कि अगर मान लिया अभी हमने सर्कल लिया था, सर्कल की जगह अगर हम स्फेयर लें, हमारे पास क्या था स्फेयर था और स्फेयर पे ये सेंटर था, स्फेयर पे हमने क्या किया कोई भी एक पार्ट कट कर लिया, ठीक है, ये जो पार्ट है ये कुछ इस तरीके का होगा, मतलब ये स्फेयर से कट किया गया, ठीक है, तो जो भी 3D फिगर होगी इसका जो एंगल बनेगा सेंटर पर कुछ इस तरीके से, ये तो ये जो एंगल बना सेंटर पर दैट विल बी सॉलिड एंगल, ठीक है, तो 3D फिगर्स जो सेंटर पर अब एंगल बना रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल्स बोलते हैं, ठीक है, तो सॉलिड एंगल के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर इसको हम डी ओमेगा बोलते हैं, कोई भी हमने एक साइन ले लिया डी ओमेगा बोलते हैं, और इसका जो सरफेस एरिया है वो डी एस है और इसकी जो रेडियस है मतलब जो डिस्टेंस है वो आर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, ये वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, सॉलिड एंगल के लिए आ जाएगी, यहां पर आर स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया हम यहाँ मतलब एरिया के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला है किस चीज के लिए, सॉलिड एंगल के लिए, सॉलिड एंगल यहाँ पर क्या आ जाएगा सॉलिड एंगल, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है स्टेरेडियन, जिसको हम एस आर से भी नोटेट करते हैं, तो इसमें केवल इतना कर लेना है, ठीक है, अब आता है टॉपिक व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई और एमकेएस सिस्टम, सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम इज कोहेरेंट, एसआई सिस्टम इज कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब है कि हर जगह एक जैसा होगा, ठीक है, ये टाइम के अकॉर्डिंग प्लेस के अकॉर्डिंग फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा, रेशनल सिस्टम का मतलब हो जाएगा इसमें कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी को केवल एक ही यूनिट असाइन करता है, ऐसा नहीं है कि सिंगल फिजिकल क्वांटिटी के लिए बहुत सारी यूनिट्स यहाँ पर हो सकती है, ऐसा नहीं होगा किसमें एसआई सिस्टम में, ठीक है, एब्सोल्यूट सिस्टम, एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जो ग्रेविटेशनल जैसे कि कोई यूनिट है तो वो यहाँ पर वर्क नहीं करेगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन का फैक्टर है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट सिस्टम का मतलब ये हो जाएगा, ठीक, मीट्रिक जैसे कि मास के लिए क्या होता है किलोग्राम होता है ना, जो फंडामेंटल यूनिट है मास के लिए वो क्या हो गई किलोग्राम हो गई, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी का फैक्टर है उसको एलिमिनेट किया गया, ठीक है, एब्सोल्यूट सिस्टम हो गया, मीट्रिक सिस्टम इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 इज टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10 इज टू द पावर 3 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, ये हमेशा मल्टीप्लायर जो इसका होता है वो 10 की पावर के फॉर्म में होता है, या फिर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 इज टू द पावर 3 मिलीमीटर, तो जो भी हम चेंजेस करते हैं एसआई यूनिट्स में, मतलब जो एमकेएस का सीसीएस में जब चेंज करते हैं तो वो हमारा 10 की पावर्स की फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट जैसे कि पोटेंशियल, अभी नेक्स्ट 12th क्लास में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी से नोटेट करते हैं, कैपेसिटी कैपेसिटर की जो यूनिट होती है वो फैराड से नोटेट करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट आर होती है, ठीक है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स, तो एसआई यूनिट्स जो है वो प्रैक्टिकल यूनिट्स भी है, तो ये सारे के सारे क्या है एसआई यूनिट्स की एडवांटेजेस है। अब हम बात करते हैं कि जो यूनिट है उसको हम कैसे सिलेक्ट करें माइक्रो और मैक्रो के लिए, सबसे पहले मैं माइक्रो के लिए काम बता रहा हूँ, फिर मैं मैक्रो सिस्टम के लिए बताऊंगा, ठीक है, तो माइक्रो के लिए क्या करना है, सबसे पहले माइक्रो मेजरमेंट्स, जो छोटी यूनिट्स होंगी, जो छोटी चीजें होंगी उनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं और कितने टाइप से मेजर कर सकते हैं, हर चीज के लिए अलग एक यूनिट सिस्टम बनाया गया है, जैसे कि अगर हम बात करें इसके लिए, अगर हम मीटर से नीचे जाते हैं, मीटर से नीचे आएगा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 10^-2 मीटर, यहां देखो एक कंडीशन है 1 मीटर और सेंटीमीटर में, मीटर और सेंटीमीटर में मल्टीप्लायर क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लायर है मतलब 100, ठीक,
मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? अगर सबसे पहले मल्टीप्लायर ढूंढो कि किस चीज पर कितनी वैल्यूज पर 10 की ये डिपेंड कर रहा है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, वह 100। हमने ये फाइंड कर लिया। उसके बाद अगर छोटी क्वांटिटी को बड़ी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइड होगा, और बड़ी क्वांटिटी को छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनटू होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो सेंटीमीटर छोटा है उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो माइनस पावर का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10^-2 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10^3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 10^-6 मीटर। इसको बोलते हैं माइक्रोमीटर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो लेंथ, ब्रेथ और जो उनका साइज होता है वो माइक्रोमीटर में डिफाइन किया जाता है। माइक्रोमीटर के बाद आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 10^-9 मीटर। ये क्या होगा, नैनो मीटर। ठीक है, फिर आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 मीटर। इस यूनिट में हम लाइट की वेवलेंथ को मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है कि लाइट की जो वेवलेंथ है उसको हम मीटर में तो मेजर नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमने उसको एक नई यूनिट दे दी, वो क्या हुआ, एंगस्ट्रॉम हो गया। एंगस्ट्रॉम के बाद क्या हो जाएगा, पिकोमीटर हो जाएगा। पिकोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा, 10^-12 मीटर। इसको बोल देंगे पिको मीटर। फिर क्या आ जाएगा, एफएम या फर्मी भी इसको बोलते हैं, फेम्टोमीटर। ये हो जाएगा 10^-15 मीटर। इसको बोलते हैं फेम्टो मीटर। तो ये क्या हो गई हमारे पास, फेम्टो फर्मी में हम एटॉमिक साइज या साइज ऑफ न्यूक्लियस डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास, माइक्रो हो गई। ठीक है, एक एटोमीटर और होता है, वन एटो बोलते हैं इसको, 10^-18 मीटर। ठीक है, इससे भी छोटी आती है, अगर इससे भी नीचे हम जाएंगे तो वो हो जाएगा, इट इज जेटा, ZeTA इज इक्वल टू 10^-21 मीटर। एंड नेक्स्ट वन इज योटा, YOTTA, इट विल बी 10^-24 मीटर। वैसे इतना नीचे जाने की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम केवल कहां तक, फेम्टोमीटर तक मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज हम फेम्टोमीटर में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, माइक्रो मेजरमेंट्स हो गई, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सीधा मीटर में, क्योंकि हमें काम किसमें करना है, मीटर में काम करना है, क्योंकि हम एमकेएस में काम कर रहे हैं इसलिए हमें मीटर में काम करना होगा। तो ये सारी क्या है, हमें केवल कहाँ तक लर्न करनी है, हमें केवल इस लाइन तक लर्न करनी है। ठीक है, नीचे जो हमारा है, बहुत रेयर केस में कई बार इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कन्वर्जन करने के लिए आ जाता है तब इनकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम चलते हैं मैक्रो मेजरमेंट्स की तरफ। तो मैक्रो मेजरमेंट्स में सबसे पहला आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसा कि इसका नाम ही एस्ट्रोनॉमिकल है, इसका मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ सन एंड द अर्थ। अर्थ और सन के बीच के सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको नोटेट करते हैं AU से। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.496 × 10^11 मीटर। ठीक है, तो अगर देखो हमें कोई चीज मेजर करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले मीटर में मेजर करते हैं, उससे बड़ी डिस्टेंसेस अगर हमें चाहिए तो किलोमीटर में मेजर करते हैं, और अगर उससे बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंसेस हमें चाहिए तो हम कुछ इस तरह से, अगर जैसे कि हमें दो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से मून की डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से अगर हमें स्टार्स के लिए तो नहीं, उसके लिए हम लाइट ईयर यूज करेंगे, अभी आगे आने वाला है, तो प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस को हम किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड, लाइट ईयर। अब स्पीड ऑफ लाइट तो बताने की जरूरत नहीं है, कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो एक वन ईयर में जितनी भी डिस्टेंस एक लाइट रे करेगी या एक फोटोन वन ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम वन लाइट ईयर बोल देते हैं। सबसे पहली चीज, लाइट ईयर इज इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस हमें फाइंड कर रहा है,
तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, 1 लाइट ईयर बोल दिया। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है हमारे पास, 1 ईयर है। तो अब हमारे पास टास्क हो जाएगा कि 1 ईयर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेकेंड्स में। तो कैसे करेंगे, 1 ईयर को अगर हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो 1 ईयर इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, 365 डेज। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज इंटू 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, इंटू 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं, इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड्स होता है, 60 सेकंड्स होता है। तो हमें क्या टाइम को सेकंड में रखना है, क्योंकि हम किसमें एमकेएस सिस्टम में काम कर रहे हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा, इतने मीटर में आ जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करके लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻¹⁵ मीटर। तो ये आ गया 1 लाइट ईयर। कई बार तुमने सुना होगा कि कुछ स्टार्स की डिस्टेंस, या हमसे वो एक स्टार या वो ब्लैक होल कुछ इतने लाइट ईयर डिस्टेंस पर है। तो 1 लाइट ईयर का मतलब ये हो जाएगा, जो भी स्टार्स या कोई भी कॉमेट, मतलब कोई भी जो बहुत दूर हमसे चीजें हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस हम लाइट ईयर्स में लेते हैं। मैक्सिमम टाइम तुमने सुना होगा, अभी ब्लैक होल देखा गया था तो उसको 53 मिलियन, अप्रोक्सीमेट 53 मिलियन लाइट ईयर डिस्टेंस पर था। तो इसका मतलब वहां से लाइट रेस को हमारे पास तक आने में 53 मिलियन ईयर्स लग गए हैं, ठीक है। तो हमने जो इमेज देखी उसकी, वो 53 मिलियन ईयर्स पहली इमेज है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो अभी हम लाइट ईयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर, ये लाइट ईयर के बारे में होती है। एक और आती है नेक्स्ट, दैट इज पार्सेक। 1 पार्सेक का मतलब है इफ अ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग आर्क मेड एन एंगल 1 सेकेंड एट द सेंटर, देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल विल बी 1 पार्सेक। मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस की अगर कोई आर्क है, अगर वो सेंटर पर 1 सेकेंड का एंगल बना रही है, तो जिस सर्कल की वो आर्क होगी उसको, उसकी जो रेडियस है उसको हम बोलेंगे 1 पार्सेक। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। थीटा कितना है, 1 सेकेंड, तो थीटा को हमें किसमें, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू, पहले डिग्री में चेंज करो, कितना हो जाएगा, 1/60 इंटू 1/60 डिग्री हो जाएगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/60 इंटू 1/60 इंटू, और 1 डिग्री में कितने रेडियन होता है, पाई बाय 180, ठीक है। तो वैसे हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आया था, पाई बाय 180 आया था, तो 180 डिग्री आया था। तो यहां से अगर 1 डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू सॉरी, ये पाई बाय 180 नहीं, जो 1 रेडियन है वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री आ जाएगा। तो अगर हमें 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो अब इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले जो 1 सेकेंड था उसको 1 मिनट में चेंज किया, 1 मिनट के बाद हमने उसको 1 डिग्री में चेंज, मतलब 1 डिग्री में, डिग्री में चेंज किया। डिग्री में चेंज करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसको किसमें, रेडियन में चेंज कर देंगे, क्योंकि जब भी हम एंगल यहां यूज करेंगे वो रेडियन में यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनटू पाई बाय 180, ये कितने में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि रेडियन और डिग्री के बीच रिलेशन क्या है, डिग्री बड़ा होता है रेडियन छोटा होता है, रेडियन बड़ा होता है डिग्री छोटा होता है, मतलब 1 रेडियन
इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 बाय पाई डिग्री होगा, इसको हम कितना 57.7 डिग्री लिख सकते हैं, मतलब 1 रेडियन में 57.7 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से सबसे पहले से रेडियस लिखो इधर, तो रेडियस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आर्क अपॉन थीटा। ठीक है, रेडियस को क्या लिख सकते हैं, 1 पारसेक लिख सकते हैं, आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/60 × 1/60 × π/180, ये कितना आ जाएगा रेडियन। ठीक है, इसको आगे करने के लिए हम लिख देंगे 1.496 × 10^11 / 1/60 × 1/60 × π/180। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा 9.9, नहीं ये आ जाएगा 3.1 × 10^16 मीटर। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास 1 पारसेक की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसमें मीटर भी, इसको भी हम स्टार्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 1 पारसेक की वैल्यू है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू है और 1 लाइट ईयर की वैल्यू है। तो क्या इन तीनों में हम इंटररिलेशन फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं इनके बीच। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिया है 1.496 × 10^11 मीटर, हमारे पास 1 लाइट ईयर दिया है कितना 9.46 × 10^15 मीटर, और हमारे पास 1 पारसेक दिया है 3.1 × 10^16 मीटर। सबसे पहली चीज, अगर मैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लाइट ईयर में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे चेंज करना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लाइट ईयर में, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को लाइट ईयर में चेंज करने के लिए सबसे पहले चीज, जो मीटर की वैल्यू है उसको लाइट ईयर में चेंज कर दो। कैसे करोगे, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू कितना है 9.46 × 10^15 मीटर। तो यहां से 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/9.46 × 10^15 लाइट ईयर। तो हमने क्या किया, 1 मीटर को, मतलब जिसमें चेंज करना है, मुझे एस्ट्रोनॉमिकल को लाइट ईयर में चेंज करना था, तो उसके लिए जो मीटर है, ठीक है, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको लाइट ईयर में चेंज कर लो। ठीक, तो कैसे करेंगे हम, हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू कितना है 1.5 लिख सकते हैं, 1.496 की जगह × 10^11 दिया हुआ। ठीक है, अब इनटू क्या मैं इसको 1 मीटर लिख सकता हूं, वन से वन, मतलब जो मीटर था इसकी जगह मैंने क्या लिखा, इनटू 1 मीटर, 1 मीटर की वैल्यू पुट कर दो कितना आ जाएगा इनटू 1.1/9.46 × 10^15, इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा अगर हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का लाइट ईयर में देखेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज फाइंड करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम अगर मुझे पारसेक को लाइट ईयर में चेंज करना है, तो 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.1 × 10^16 इंटू मीटर था, तो 1 मीटर लिख सकता हूं मैं इसको, कितना आ जाएगा 3.1 × 10^16 × 1/9.46 × 10^15 लाइट ईयर। मतलब जिसको जिसमें चेंज करना है उससे डिवाइड कर देंगे। मान लिया मुझे पारसेक को एस्ट्रोनॉमिकल में चेंज करना है, तो पारसेक की वैल्यू के अपॉन में एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, मुझे पारसेक को लाइट ईयर में चेंज करना है, तो पारसेक की वैल्यू के अपॉन में लाइट ईयर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब जिसको भी मुझे चेंज करना है, ठीक, मान लिया मुझे लाइट ईयर को चेंज करना था, तो लाइट ईयर की वैल्यू को, ठीक है, जितने भी मीटर होगी किसमें चेंज करना था, पारसेक में चेंज करना था, तो मैं किससे, पार्सेक की वैल्यू से मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं किसके, इन तीनों के बीच इंटररिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो टास्क आज जो लोगों के लिए है वो यही है कि रेडियन स्टेरेडियन की वैल्यू
लिखनी है, ठीक है, उसके बाद माइक्रो और मैक्रो मेजरमेंट्स के बारे में लिखना है, उसके बाद जो लाइट ईयर की डेफिनेशन है, एस्ट्रोनॉमिकल की डेफिनेशन है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, और पार्सेक, इन तीनों की डेफिनेशन, रेडियन और डिग्री का जो इंटररिलेशन है वो, और एस्ट्रोनॉमिकल, लाइट ईयर और पार्सेक, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, कैसे हम रिलेशन पुट करते हैं, ये सारी चीजें जैसे जैसे अभी हम आगे जाएंगे इस तरह के कुछ एक दो क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि मान लिया मुझे मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, ये तो आसान सी चीज थी, तो थोड़ी टिपिकल कन्वर्जन आ जाएंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने से पहले तुम लोगों को कन्वर्जन आने चाहिए कि यूनिट्स के कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। अगर कन्वर्जन अभी तक नहीं आता है तो एक बार जूनियर क्लासेस की बुक या नेट पर देख करके सर्च कर लेना कि कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, मीटर का किलोमीटर में, किलोमीटर का मीटर में, किलोमीटर का सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का किलोमीटर में, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, ये सारी चीजें एक बार देख लेना, तो सब क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स।